हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी ठाकुर और ये जो है आज मैं अपना पहला व्लॉग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। हम लोग करसोग में ही मूल महुनाथ जी का एक मंदिर है, बैली धार भी बोलते हैं, बौली धार भी बोलते हैं लोग उसको, तो वहाँ का आपको आज व्यू दिखाऊंगी, कैसा उसका रास्ता है वो दिखाऊंगी। साथ ही साथ बखारी में मूल महुनाथ जी जो कि कर्ण का रूप है, उनका जो मंदिर स्थित है, उसकी भी एक झलक आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये सामने जिन्हें आप देख रहे हैं वो है मेरे पार्टनर्स, और कुछ पार्टनर्स हमारे आगे जा चुके हैं जो गाड़ी में निकल गए हैं, वो हमें रास्ते में आगे मिलेंगे, तो वहां तक हमें पहुंचना है। चलिए, बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे व्यू है, आप सब लोग जैसे देख सकते हैं। आगे भी कुछ रास्ते में आएगा तो वो भी आपको जरूर हम दिखाएंगे। और चलो अभी मैं दौड़ती हूँ, मेरे पार्टनर्स आगे चले गए हैं काफी। ओके, तो हम निकल चुके हैं। अभी हम लोगों ने 15-20 मिनट का रास्ता ही तय किया है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, ये चील का पेड़ बोलते हैं हमारे इसको, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चलो छट पर है ठीक है, इसको हम, ये चील का पेड़ है, ठीक है, चील का पेड़ है। और इसमें ये देखो, यहाँ पे इसको हमारे बरोजा भी बोलते हैं, खलजा भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कुप्पी, जिसमें ये कलेक्ट किया जाता है, मतलब थोड़े से कट्स दिए जाते हैं पेड़ में, और इसकी वजह से फिर हम इसका जो ये मटेरियल है इसको इसमें कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें जो ये मटेरियल कलेक्ट किया गया है, इसको हम सैप बोलते हैं, ट्री से जो सैप निकलता है। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, कैंडल्स बनाने में ये हेल्प करता है, हमारे पास ग्लू बनाने में हेल्प करता है, आपने तारपीन या टर्पेंटाइन सुना होगा तो उसमें भी ये हेल्प करता है बनाने में उसको, एंड कुछ लोग बोलते हैं फैब्रिक बनाने में भी हेल्प करता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मैंने सुना है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और ये रहे वो बॉक्सेस जिसमें कलेक्ट किया जाता है, ये जो भी लोग कलेक्ट करने के लिए आते हैं इनमें कलेक्ट करके रखते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो चलो अब हम यहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, क्या बोलते हैं यहाँ को, साक्षी, ओड्डा, हाँ ओड्डा बोलते हैं। यहाँ से हमारी महुनाग की बाउंड्री जो है वो शुरू हो जाती है। किस तरफ को जाना है महुनाग के लिए हमने, राइट हैंड साइड ना, मतलब अभी जैसे कि साक्षी ने बताया हमें राइट हैंड साइड जाना है, वहां से इस पॉइंट से हमारी महुनाग जी के मंदिर की या महुनाग वाले एरिया की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। अभी मैं आपको सामने से भी ये दिखाऊंगी, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं पहुंच जाती हूँ पहले इसके आगे। ओके, तो ये रहा मंदिर। ओके, तो फाइनली हम लोग यहाँ सड़क पर पहुंच गए हैं। हम लोगों ने वैसे गाड़ी में जाना था लेकिन जो गाड़ी वाले वो अभी तक आए नहीं है तो हमें पैदल जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो महुनाग भी अभी तो 5 किलोमीटर है और हमें तो बैलीधार जाना है। बैलीधार तो उससे भी आगे, कितना आगे, अराउंड 4 किलोमीटर, तो हम लोगों को सोच सकते हो अभी 9 किलोमीटर चलना है। अगर पैदल जाना पड़ा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आई होप कि गाड़ी आ जाए। आ जाओ व्यू दिखाते हैं फिर आपको करसोग वैली का, अपने ओटे का। आ जाओ, अच्छा ना, आई थिंक आपको अच्छा तो लगेगा जरूर। ये जो भी हमारा एरिया से आगे हम कुफर वाले एक एरिया पे जाके पहुंचेंगे तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, चलते रहिए हमारे साथ। ये है नेक्स्ट स्टेशन जो ओडे के बाद आता है, यहाँ को बोलते हैं कुफर। कुफर यानी कि पानी का एक जो तालाब जैसा बनाया गया है यहाँ बीच में, जहाँ पे अपने पशुओं को लोग पानी पिलाने के लिए लेके आते हैं। सामने आपको एक शेड सा नजर आ रहा होगा, उधर जो देवता जी का रथ है उनको बिठाया जाता है। ये देख लीजिए, मैं थोड़ा सा क्लोजअप आपको दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपको शेड टाइप नजर आ रहा है, जब भी यहाँ कुफर का मेला होता है तो इस पॉइंट पर जो है इधर वो हमारे टेंट्स लगाए जाते हैं चारों ओर, कुफर के चारों ओर जहाँ ये जो जेसीबी काम कर रही है वहां भी, और इधर जो है हमारे महुनाग जी का जो रथ है वो यहाँ पे होता है, और उनके साथ जो देवता के साथ जो लोग होते हैं वो भी, और यहाँ पे पूरी तरह से ये खचाखच भरा हुआ होता है मेले के दौरान, तो काफी अच्छा वो नजारा होता है। मैं भी एक बार आई। ओके, तो फाइनली हमें गाड़ी मिल गई है, बहुत ही 1.5 घंटे इंतजार करने के बाद गाड़ी आ गई है, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से आगे। कहाँ है हम अभी, महुनाग पहुँच गए हम, नहीं रामगढ़, ठीक है भाई, क्या हो गया? ऑलमोस्ट हम उस जगह पे पहुँच गए जहाँ से हमें अब ऊपर चलना शुरू करना है पैदल वाला वॉक दोबारा से। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ, अपने व्हीकल्स पार्क कर दी और इधर से हम लोग शुरू करें। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रास्ता है, इसके अलावा और भी रास्ता है, गिरते पड़ते जो भी चल रहे वो, चलो बहुत ही खराब है रास्ता क्योंकि गीला है और हम ट्रैकिंग के लिए कोई ऐसी तैयारियां करके तो आए नहीं है, चप्पल पहन के आए हैं भाई।
कुछ लोग तैयारियों के साथ आए हैं, बहुत तैयारियां करनी पड़ रही है। ये रास्ता देखिए आप, मतलब ढूंढ ढूंढ के करना पड़ रहा है रास्ता, बहुत ही डिफिकल्ट रास्ता है। अगर कोई आना चाहता है यहाँ पे तो सजेस्ट कर रहे हैं हम कि ट्रैकिंग शूज जरूर पहन के आए, नहीं तो किसी का नाक बजेगा, किसी का मुंह बजेगा। गर्ल्स पार्टी, थोड़ी वीडियो शीडियो के लिए, और ये सब लोग थक के चूर हो चुके हैं। यहाँ एक तो खत्म है बिल्कुल, बाल देख सकते हैं आप इनके। सो वी आर ऑलमोस्ट हियर। ये देखिए आप, वो देखिए ऊपर आपको पहाड़ी पे नजर आ रहा होगा, ये देखो दिस वन। तो यहाँ हम पहुँचने वाले हैं, बिल्कुल यहीं हमने जाना है। यस, ऊपर मैं आपको आसपास दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारा मंदिर, जो बहरीधार का मंदिर है वो ये है, और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये नज़ारा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा आपको सुंदर ये देखने को मिलता अगर मौसम ख़राब नहीं होता। वो यहाँ थोड़ी सी धुंध पड़ गई थी, थोड़ी क्या, काफ़ी धुंध पड़ गई थी, जिस वजह से हम आपको उतने अच्छे से ये मंदिर नहीं दिखा पा रहे हैं। पर चलिए, हमने आपको दर्शन करवा दिए हैं श्री मूल माहुनाग जी के, जो कि महाराजा कर्ण का रूप है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनका जो मंदिर, जिसके बारे में काफी लोगों ने सुना होगा या जाते भी हैं, वो है मूल माहुनाग जी का बखारी वाला मंदिर, जहां सब लोग जाते हैं। एक झलक में आपको उसकी भी दिखाऊंगी वीडियो के एंड में। तो यहीं पर साथ में थोड़ा सा नीचे की ओर जाके, दूसरी ओर जाके, जहां से हम लोग आए थे उससे दूसरी ओर जाके, वहां से भी रास्ता ऊपर आने का है, उस तरफ एक शिवलिंग पाया गया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और कहा जाता है कि जो लोग भी यहाँ पे इस मंदिर में मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत हमेशा पूरी करते हैं। और ये देखिए, वो शिवलिंग भी मैं आपको भी दिखाती हूँ, देखिए गौर से देखिएगा, बीच में आपको अंदर पत्थर के नीचे ये शिवलिंग यहाँ पे नजर आएगी। ये देखिए, फाइनली जब हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे, उसके बाद हमारी नाटी की ये तैयारियां आप देख सकते हैं, और हम सब नाचने के लिए एकदम तैयार। इसके बाद हम वापसी में एक बार आपको बखारी वाला मंदिर भी दिखाएंगे श्री मूल माहुनाग जी का। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। नाटी करने के बाद हम सभी लोग बखारी वाले मंदिर निकल लिए, और ये है बखारी वाला मूल माहुनाग जी का मंदिर। जय श्री मूल माहुनाग जी।